अफगानिस्तान ऐसा कभी नहीं था जैसा कि अब दिख रहा है। अफगानिस्तान में ऐसी चरमराई व्यवस्था कभी नहीं थी जैसी कि अब हो गई है। अफगानिस्तान में कुछ भी वैसा नहीं है अब जब तालिबान का उस पर कब्जा हो गया है। गरीब हो गए हैं अफगानिस्तान के लोग। तालिबान ने अफगानिस्तान की हालत बिगाड़ दी है। इस बंदूक वाली सरकार के राज में भुखमरी बढ़ती जा रही है। गरीबी से आवाम का हाल बेहाल है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक तो आगे आने वाले दिनों में और गरीब हो जाएंगे अफगानिस्तान के लोग। अफगानिस्तान पुनर्निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार के विशेष महानिरीक्षक ने बताया कि मौजूदा मानवीय संकट के कारण युद्धग्रस्त देश में लोगों की प्रति व्यक्ति आय गिरकर आगे आने वाले दिनों में $350 हो सकती है। एक न्यूज रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि एशियाई विकास बैंक की तरफ से बनाए गए सबसे खराब स्थिति में अल्पावधि में बेरोजगारी 40% से ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं घरेलू खपत में 44% तक कमी दर्ज की जा सकती है। ये आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। UNDP और IMF के अनुमानों के हवाले से कहा गया है अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था को 2021 में 20-30% की गिरावट का सामना करना पड़ा था। एक अनुमान के मुताबिक बताया गया था कि अगस्त 2021 में राजनीतिक बदलाव के बाद महीनों में अफगानिस्तान की नाम मात्र GDP 2020 में $20 अरब से गिरकर $16 अरब हो सकती है। UNDP ने चरमराई अर्थव्यवस्था को देख चेतावनी दे दी है। साफ कह दिया है विशेष रूप से महिलाओं के रोजगार के संबंध में तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो 3-5% के बीच और गिरावट हो सकती है। अफगानिस्तान की ऐसी हालत का मुख्य कारण है तालिबान का कब्जा, क्योंकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो देश के बाहर देश के केंद्रीय बैंक द अफगानिस्तान बैंक के नाम पर अफगानिस्तान के पास $9 अरब से ज्यादा का भंडार था, जिसमें अमेरिका में रखे $7 अरब के भंडार भी शामिल है। बाकी के भंडार बड़े पैमाने पर जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, स्विट्जरलैंड और कुछ अन्य राज्यों में है। तालिबान के सत्ता में आने के जवाब में अब सारी संपत्तियां जमा है। सभी डेवलपमेंट एड्स को बंद कर दिया गया है और देश में केवल मानवीय सहायता ही आ रही है। तालिबान को कोई भी मानवीय सहायता के अलावा डेवलपमेंट एड देने को राजी नहीं है, जिसे अफगानिस्तान की जनता भुगत रही है। आपको बता दें भारत ने अफगानिस्तान की जनता के लिए अभी हाल ही में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं की मदद भेजी थी ताकि अफगानिस्तान के लोगों की भूख मिट सके, क्योंकि अफगानिस्तान के हालात इतने खराब हो गए हैं कि लोग दो वक्त की रोटी के लिए अपने बच्चे तक को बेचने के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में कई ऐसे परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बेच दिया है या बेचने की तैयारी कर रहे हैं जिससे कि रोजी रोटी का इंतजाम किया जा सके। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एज यू आर अवेयर, अफगानिस्तान इज अंडरगोइंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। द यूनाइटेड नेशंस हैज पुट आउट सेवरल अपील्स to the international community to extend humanitarian support to the people of Afghanistan. India has had historic and civilizational ties with the people of Afghanistan. Keeping in view these close ties, it has been decided to extend humanitarian assistance to Afghanistan in the form of 50,000 tons of wheat. Now what you are seeing today, what we will flag off today, is the first consignment consisting of some 2,500 tons, which will be carried by these 50 trucks that have come from Afghanistan. These are Afghan trucks with Afghan drivers. I am very grateful to His Excellency, Mr. Farid Mamunzai, Ambassador of Afghanistan, and his colleagues for joining us today on this important occasion. We are also very happy that the country director of the World Food Program in India, Mr. Parajuli, is here with us. This consignment, as you are aware, will go from integrated checkpost in Attari to Jalalabad in Afghanistan, where it will be delivered to the World Food Program, which will arrange further dissemination of this consignment. अब अफगानिस्तान की हालत जब और ज्यादा खराब होती जा रही है तो देखना होगा कि तालिबानी राज इसके लिए क्या करता है। वैसे उम्मीद तो नहीं है कि वो आवाम के लिए कुछ करेगा। वैसे आप अफगानिस्तान की इस हालत को लेकर क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं।